नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। अजिंक्य रहाणे टेस्ट में टीम इंडिया के उपकप्तान, बेहतरीन बल्लेबाज, विदेशों में धाक और ऑस्ट्रेलिया में अपनी कप्तानी में टेस्ट सीरीज जिताने वाला कप्तान। बतौर बल्लेबाज भी कामयाब रहे हैं और बतौर कप्तान भी। आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इस धाकड़ बल्लेबाज से बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब तक अजिंक्य रहाणे ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और उम्मीद करेंगे कि फाइनल में भी उनका बल्ला चले। 6 जून को इस बल्लेबाज का जन्मदिन आता है, तो इसी मौके पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं अजिंक्य रहाणे की 7 अनसुनी बातों के बारे में, जो शायद ही आपको पता हो। अजिंक्य रहाणे मुंबई के डोंबिवली से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता ट्रांसपोर्टेशन में काम किया करते थे, जबकि माँ घर संभालती थी। महज 7 साल की उम्र में ही अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि बचपन से ही अजिंक्य रहाणे क्रिकेटर बनना चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजिंक्य रहाणे कराटे भी जानते हैं और उन्हें ब्लैक बेल्ट भी मिल चुका है। यही वजह है कि रहाणे स्लीप में इतने फुर्तीले नजर आते हैं। साल 2007 में अजिंक्य रहाणे भारत की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। तब न्यूजीलैंड दौरे पर क्रिकेट खेलने के लिए अजिंक्य रहाणे गए थे और इस दौरे पर विराट कोहली और जडेजा भी उनके साथ थे। अजिंक्य रहाणे ने फर्स्ट क्लास डेब्यू कराची अर्बन के खिलाफ किया था। साल 2007 में मोहम्मद निसार ट्रॉफी खेलने के लिए मुंबई की टीम पाकिस्तान गई थी और इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने 143 रनों की पारी खेली थी। साल 1999 में सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 186 रनों की पारी खेली थी। लिस्ट ए क्रिकेट में ये भारत का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर था। बाद में साल 2008 में महाराष्ट्र के खिलाफ रहाणे ने 187 रन बनाकर सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। हालांकि इसके 2 साल बाद फिर सचिन ने दोहरा शतक लगाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया था। अजिंक्य रहाणे T20 क्रिकेट के एक ओवर की सभी गेंदों पर चौका लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। जी हाँ, साल 2012 में उन्होंने श्रीनाथ अरविंद की 6 गेंदों पर लगातार 6 चौके मारे थे। साल 2015 में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया था। ऐसा करने वाले वो भारत के 5वें बल्लेबाज बने थे। तो ये है भारत के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के बारे में 7 दिलचस्प बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।